आज शनिवार को मेरठ कमिश्नरी कार्यालय चौधरी चरण सिंह पार्क पर आम नागरिकों द्वारा आमरण अनशन किया गया, जिसमें बताया गया कि 3 दिन पूर्व 1857 के मौलिक अधिकारों के चलते आम आदमी को भी चुनाव लड़ने का हक दिया गया है, जिसमें कोई भी नागरिक चुनाव की प्रक्रिया में नामांकन कर सकता है। उसी के चलते सैकड़ों की तादाद में आम नागरिक यूनियन द्वारा कलेक्ट्रेट पर नामांकन करने के लिए लोगों का जत्था पहुंचा, जिसमें पहले दिन प्रशासन ने सैकड़ों की तादाद में नामांकन करने आए लोगों को नामांकन प्रक्रिया करने से मना कर दिया। प्रशासन की काफी गहमा गहमाई के बाद लगभग 20 लोगों का नामांकन पर्चा भरा गया। उसी दौरान अगले दिन भी जब आम नागरिकों की एक यूनिट कलेक्ट्रेट पर चर्चा भरने के लिए पहुंची, तो शासन प्रशासन के सुरक्षा कर्मियों ने उन पर धारा 144 का उल्लंघन करते हुए उन्हें वहां से भगा दिया गया और साथ ही 3 लोगों की भी गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया, जिससे आम नागरिकता को ठेस पहुंची है। हमारी जो प्रमुख मांग ये थी, पहले तो हम लोग कुछ काम कर रहे थे, काम ये कर रहे थे कि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था से संसदीय प्रणाली का चुनाव चल रहा है, उस चुनाव प्रक्रिया में हम लोग हिस्सेदारी करना चाहते थे, भाग लेना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे और हमारे साथ सैकड़ों की तादाद में नौजवान भी चुनाव लड़ना चाहते थे। पहले दिन जब 42 नौजवानों ने पर्चा लिया, एक साथ प्रत्याशी लगभग 100-150 प्रत्याशी एक साथ आ गए, तो प्रशासन को लगा कि इतने सारे प्रत्याशी कैसे हो गए। उसके बाद प्रशासन हम लोगों को रोकने का प्रयास किया, बाद में इतनी बैरिकेडिंग, इतनी सुरक्षा कर दी गई कि कोई पर्चा ही ले ना पाए, मतलब दूसरे दिन केवल 20 लोग ही नामांकन ले पाए और हमारे 3 साथियों को जेल भेज दिया गया, मतलब जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें जेल भेज दिया गया। जब जेल भेज दिया गया और अगले दिन प्रशासन इतना दबाव बनाना चाहता था कि तुम लोगों में से कोई एक आदमी चुनाव लड़े, मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, जिसकी जो इच्छा होगी वो कर सकता है, लड़ी सकता है। बड़ी बड़ी पार्टियां भी अलग अलग प्रत्याशियों को उतारती हैं, अब एक ही प्रत्याशी को नहीं उतार सकता। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमारे साथियों को जेल भेज दिया गया। अब जब हमारे साथी जेल में गए तो हम लोगों ने घोषणा कर दिया कि हमारे साथियों को बाइज्जत रिहा किया जाए और जो अधिकारी इस तरह की कार्रवाई किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी चीज़ ये, चूँकि चुनाव प्रक्रिया बाधित हुई है, तो जो बाधित हुई है तो इसका डेट बढ़ाया जाए, समय बढ़ाया जाए और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, बीपीएल परिवार के लोग हैं, नागरिक हैं, उनकी ये सिक्योरिटी राशि, जमानत राशि 1 रुपये की जाए, ये हमारी 4 मांगे हैं। इन 4 मांगों को लेकर हम लोग आमरण अनशन में बैठ गए। 1857 एक मैसेज है, एक संदेश है कि जब जब देश में कुव्यवस्था फैली है, अव्यवस्था फैली है, उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 1857 में जैसे अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की गई, इस समय वर्तमान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से सारे लोग तंग आ गए हैं, इस व्यवस्था से आम आदमी कोई भला नहीं हो पा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि अगर सामान्य नागरिक चुनाव भी लड़ना चाहता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। तो इसी के मकसद से 1857 है। लोग अब तक जेल भेजे गए हैं? 3 लोग जेल भेजे गए हैं। क्या कोई आज अधिकारी आपके यहाँ पर सूट लेना है? हाँ, हमारे पास सारे अधिकारी आए हुए हैं, मतलब खास तौर से ADM आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट आए थे और बाकी पुलिस का सारा अमला आया हुआ था। उन लोगों ने कहा कि आप लोग मान जाओ, हमारी बात मान जाओ, नहीं तो आप लोगों को जेल भेज देंगे। हमने कहा चूंकि हमारी ये मांगे हैं, जेन्युइन मांगे हैं, आपने हमारा समय ख़राब किया है, तो चुनाव का समय बढ़ाया जाए। अगर आप चुनाव का समय नहीं बढ़ाते तो हम लोग अनशन में बैठे, आपको जो करना हो करो, अगर आपको जेल भेजना ही समस्या का समाधान लगता है जेल भेज दो। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम तो बैठे ही हैं।